घी लेने आई थी। बात सुनो बेटे, यहाँ हमारा सुबह का ब्राउन रस और इनके ये बन भी आपको दिखाऊंगे, तो बहुत अच्छे आइसक्रीम खाते हैं। अब मेरा यहाँ फ्लेवर पिस्ता आइसक्रीम मिलेगी ही नहीं। मेरा बेटा पिस्ता खाना बंद हो गया है। दो लगने में खींचे से मुझे इतनी ताकत नहीं आई थी। हाय अल्लाह, ये देखें ये सारे कपड़े आज धोए जा रहे हैं। ये ताइमा ने आज धोए हैं कपड़े। भाई अम्मा ये कपड़े और ये ईद की छुट्टियां गुजार के खाने के बाद के मसाले के हल नहीं, उसके बाद के काम। ये देखें आप जरा मेरे कपड़े भी कितने गीले हैं मेरे खुद। हाँ, क्योंकि बाबा कहते थे कभी कपड़ों की धोबी बनाए, तो मैं सोचा आज बेहतरीन है बनाने वाले खिलाफ। Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to Kapsha Vlogs. I hope you all are doing well and having the best time of your life. I'm gonna say it again, the weather's not so nice today as well. No sign of rain or anything like that, but hopefully we will see some changes in a while, or maybe after 2 days. But you know, you can never ignore summers as well, because there are some parts of the world where you won't really be lucky enough to have all the four seasons. But in Pakistan, of course, all four seasons and everything you can enjoy. Baki, we're going downstairs to say a bit of hello to Taima and see what she's up to. Guess who's with us, guys? Knock knock. हमारे पास है ताइमा। ताइमा व्यूअर्स को सलाम करो। बहुत सा सलाम, बहुत सा प्यार, बस यही कहूंगी। क्या कहूंगी, कुछ तो कहो। पी हंस पे आदत, ताइमा की फिर उंगली टूट गई है। टूट नहीं गई, कट गई है। मुझे अपनी छुरियां तेज करने का बहुत शौक है, लेकिन वो नहीं यूज कर सकती। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, हम छुरी तेज नहीं यूज कर सकते। हमारी छुरी हल्की हल्की रहे तो ठीक है। हाँ बस फिर ये जनाब जी, आज मैंने सोचा है कि ये रखे हुए थे फ्रिज में, आज हमारा सब्जी वाला भी एक दो दिन से नहीं आ रहा जब से हम ईद करके आए, तो ये तो हमने कहीं कल गुजरते हुए पकड़ लिए थे, तो हमने सोचा चलो इसको अटक से हम लेके बल्कि आए हैं। सोच रही हूँ कि कहाँ से लाएं। वो वीडियो में है। हाँ तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम बनाते हैं। ये देखें अभी हम ये चूल्हे पर रखे हैं, हमने भर के बैंगन। अभी आप कुछ देर के बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी ये चीज़ तो एक बनानी शुरू की है, क्योंकि दिल जो है ना सब्जियों को याद कर रहा था। बड़ी ईद के बाद वैसे हैं क्या ही होता है बड़ी ईद के बाद। बड़ी ईद के बाद याद। हाँ ये एक बैंगन इसलिए छोड़ दिया है कि ये कोई अच्छा नहीं लग रहा साइड से। ये भाई हमारे बैंगन और आलू की फाइनल लुक, बस अभी ये थोड़ी देर और दम पर रहेंगे, फिर मजेदार से तैयार हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा भूख लगेगी। अच्छा अभी भी लग रही है, बाकी इसको देख के लग रही है। ये रहा मटन, जो कि अपने आखिरी मराहल में, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैंगन आलू के साथ, बैंगन और उसके साथ क्या बनाया जाए, तो सोचा कि आज क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। मटन कराही। आप लोग आंच पे कर रहे हैं कितनी तेज है। मैंने कहा ताइमा, फिर मुझे कहा था कि आहिस्ता आंच पे बनाना होता है। ताइमा कहती है कि बेटे हाफिज नूर जिनने जिस तरह नहीं बताया ना, एक जेहलम में ना एक हाफिज नूर था, उसका शरबत बहुत मशहूर था ना, कि वो वही संदल बना के दिया करता था सब कुछ ना, तो उसने आज तक हम जब उससे पूछते थे कि तुम किस तरह बनाते हो क्या करते हो, तो अपना राज नहीं देता। लेकिन मैं अपना राज दे देती हूँ। नहीं आगे मैं स्लो कर दूंगी ना। नहीं देखिए, ये देखो ये स्लो है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गौर से देखिए चेहरे को, गौर से देखिए।
जी ताइमा, मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने अटक में बनाई थी तो मैं ज्यादातर खुद खा गई थी, लेकिन अब मैं शेयर करूंगी बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, right now I'm having tea. Sorry about that. I'm having tea and I cannot live without tea, honestly. Nobody really likes the tea I drink because there is sugar in it, but it's like very less amount. Nobody really likes it. So bahut acche lag rahe hain aap. Handsome dude. Khuda hafiz. लुकिंग सारा चुपकली का बच्चा भी है घर के अंदर। ताइमा, अगर आप इसे मारेंगे मैं आपको कुछ खिलाऊंगी। बहुत मेहरबानी। देखिए मैं जो हूँ वो ये ले आई हूँ, लेकिन जब मैं आई हूँ तो मंजर कुछ यूं थे। रुके, मंजर कुछ यूं थे। ताइमा हेरी को कॉल करी कि कहाँ रह गए हो। हेलो हेरी, ऑफिस में कितनी देर है अभी? यार छुप के लिए आ गई है घर में छोटी सी। ताइमा कल खोल के देखो जरा। मैंने ताइमा कल मैंने सबको हमने कहा था कि आप शेर सुनाएंगे, आज आप शेर सुना ही दें। मैं आप लोगों को शेर सुनाऊं आज? मुझे भी शेर याद आया। अच्छा सुनाओ। कौन सा? अभी देख लूंगी मैं से। कोई बात नहीं, गलत भी फिर भी सुना। चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, जो होगी मोहब्बत मिलेगा जवाब। वाह वाह वाह, ताया वो छा गए हैं। ताया ने बताया था। ताया बोले अच्छा, बहुत अच्छा शेर है। लेकिन बात बताऊं तुम्हें कि हर जगह हर रक्षा हर साइकिल नहीं जी नहीं, ट्रक पे लिखा पूछ लो सबसे। लेकिन है तो अच्छा है, बिकॉज़ आपका मुझे शेरो शायरी नहीं आती। ताइबो की डायरी खोल ले, आपको एक खजाना मिल जाएगा शेरो शायरी। कब आपकी बारी प्लीज इरशाद उस्ताद। अच्छा चलती हूँ। एंड वेयर बैक। अच्छा तुमने सुना दिए? जी मैंने सुना दिए। चला चल कबूतर लिफाफे की चाल, जो होगी मोहब्बत मिलेगा जवाब। मुश्किल है। मैं ताया से पूछ रही थी उस दिन के पेपर के लिए कि जब मैं नर्सरी में थी तब से मैं शेर सुन रही हूँ। इतना अच्छा तो आप ये मान देख लेना, रुजिया पर सिर्फ एक और शेर आता है बिल्कुल, या वो गालिब वाला कौन वही भूल गया। जो 9th और 10th की बुक पे होता है। अच्छा आपको एक शेर सुनाती हूँ। गजब की धूप थी तन्हाइयों के जंगल में। ओए ओए ओए। गजब की धूप थी तन्हाइयों के जंगल में, शजर बहुत थे मगर सायादार कोई ना था। वाह 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 वाह, छा गई है शायरी। मुझे समझ आ जाती है बस। अच्छा? आती नहीं आ जाती, कमाल कर दिया। इसके साथ ही हम आपसे हाँ। इजाज़त लेते हैं। हमें अपनी मोहब्बतों में, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। उसके साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ये सुन लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आप लोगों को के पास हमारी नोटिफिकेशन जाती रहें। और इसी के साथ हम जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। प्रोजेक्ट स्टोरी सुनाई जा रही है को क्या बहुत खासे है। आज आप लोग भी सुने। आज ये हुआ है कि एक छुपकली का बच्चा जिसको हम मैंने और जारा ने मारने की कोशिश की, खुद मरने वाला, और जब हमने स्प्रे इतना ज्यादा उस बच्चे पे किया, छोटा सा बच्चा था कि हम जब उस पर स्प्रे कर रहे थे कि मुझे और जारा को इतनी खांसी आई उल्टियां, वो जिंदा रहा और हम दोनों बेहोश होने वाले थे। नहीं नहीं ये इसमें बताना चाह रही हूँ सब लोगों को भी।
कि वो जिंदा रहा, वो भाग गया और हम दोनों मरने वाले हो गए। फिर हमने जल्दी जल्दी गरम गरम चाय पी, फिर हमने खांसी का सिरप पिया और फिर इसलिए अब आपको हम सलाम करते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास छुपकली आ जाए और हमारे पास कोई बच्चा ना हो, क्योंकि मेरे शोहर जो है छुपकली को देख के चुप हो जाते हैं ताकि हम लोगों को बताते हैं। बताए कि वो उनको कहते हैं कि मेरे गेस्ट हैं, उन्हें कुछ ना कहा जाए। वो कहते हैं वो मेरे गेस्ट हैं, उन्हें कुछ ना कहा जाए। अच्छा, तो हमें व्यूअर्स को सलाम कह दें। बस आपको बहुत सारा सलाम, दुआ और मुस्कुराहट हमेशा कायम रखें। ये ऐसे अनमोल तोहफे हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। ये किसी को नहीं पता मेरे हंसने की रीज़न, क्योंकि हैरी पीछे से हरकतें ऐसे कर रहे हैं। हेरी, आपने मुझे अभी धोबी के पास लेके जाना है, क्योंकि ताया अबू के इतने ज्यादा से कपड़े हैं और उसके बाद आपके इतने ज्यादा से कपड़े धुल गए हैं जो आपको अंदर लाके तय करके अलमारी में रखने हैं। हाँ, क्योंकि आज ताई ने और जारा ने छोटे मोटे सारे काम समेट दिए हैं और अब इसके बाद हम धोबी के पास जाएंगे, क्योंकि ताया के कपड़े सारे इकट्ठे हुए हैं, वो धोबी को देख के आएंगे और उसके बाद आप लोगों को बाहर की थोड़ी सी सैर कराएंगे कि हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। मैं सो रही हूँ, लेकिन यहीं पे ये लड़की बहुत शैतान है, इसने स्प्रे मुझसे करवाया ताकि ताई जो है उसको ज्यादा इनहेल कर। नहीं, अंदर मुंह मेरा भी घुसा हुआ था। अब हमने इतना इनहेल किया, इतना इनहेल किया कि ये बच्चे के एक दूसरे वॉशरूम में उकाइयां करी थी के सारे वॉशरूम में लिटरली। हम दो चीजों से आपको आज बता देते हैं, हमारी जो दो कमजोरियां हैं जिससे हम बहुत डरते हैं, एक चूहा और एक छुपकली। बस ये दो चीजें जो है अगर इस घर में है तो हम घर के बाहर हैं, बस ये आप सोच लें। सही बात है। हाँ, बस।